ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। भारतीय जनता पार्टी से अनुसूचित वर्ग से जुड़े हुए प्रमुख नेताओं की आज बैठक थी। आगे निकाय चुनाव आ रहे हैं, ये विषय तो था ही, लेकिन अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार की घटनाएं निरंतर वर्तमान इस कांग्रेस की सरकार में राजस्थान में बढ़ रही है। उसके लिए भी हमारी रणनीति आगे जो रहने वाली है वो हमने तय की है। धारा 370 जो हटा है उसका भी आने वाले समय में संपर्क और जागरण अभियान हमें करना है। सेवा सप्ताह जो 14 सितंबर और 20 सितंबर के मध्य रहेगा, उसमें भी अनुसूचित जाति वर्ग की क्या भूमिका रहने वाली है, ये कुछ विषय आज के बैठक में थे। मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी अलग अलग वर्गों से साथ बैठती आई है, संगठन का विषय लेती आई है। आज की बैठक अनुसूचित जाति मोर्चे द्वारा आयोजित की गई थी, सभी संभागों के प्रमुख लोग इसमें आए थे। बहुत अच्छा इसमें डिस्कशन हुआ, चिंतन हुआ, और जो सोशल जस्टिस की अवधारणा जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी है इस देश को, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, तो उसमें चाहे कोई योजना हम ले लें उसमें अनुसूचित जाति जनजाति के वर्गों को ऑटोमेटिक उसका लाभ मिल रहा है, ये विषय भी नीचे तक जाना है। जैसे हम प्रधानमंत्री आवास ले लें, चाहे हम मुद्रा ले लें, चाहे हम उज्ज्वला ले लें, चाहे हम सौभाग्य योजना ले लें, हर घर कनेक्शन, तो ये नीचे तक परकुलेट होनी चाहिए चीज़ें जो मोदी जी ने लागू की है, ये विषय आज की बैठक के रही थी। देखिए, जब हम 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने जा रहे हैं तो ये जो विषय विपक्ष उठा रहा है उसको लग रहा है एक क्वार्टर में GDP 5% रहेगी, उनके खुद के समय में भी कई बार 5 से नीचे गई है। हम ओवरऑल जो GDP की दर है, मुझे लगता है आज के अनुमान के अनुसार 7% तक रहने वाली है, और तेजी से ये सरकार सुन रही है अलग अलग। जैसे एक ऑटो सेक्टर है जिसको लेकर के बार बार विषय आ रहा है, उसको निर्मला सीतारमण जी ने लगातार बैठकें की है, उसमें 3 विषय सामने आए। BS4 से BS6 का ये ट्रांजिशनल फेस है, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंट्रोडक्शन का भी ये ट्रांजिशनल फेस है, ये कई विषय निकल के आए, लेकिन लगातार हम उनको उनसे भी पूछ रहे हैं। हमें तो प्रधानमंत्री जी ने यहाँ तक कहा कि जब मीडिया से आप मुखाबित हो, मीडिया से भी पूछिए कि आप भी बता दीजिए, हम तो सब चीज़ें करने के लिए तैयार हैं। जब हमें 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनानी है तो कोई विषय हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे GST के रेशनलाइजेशन का विषय हो, चाहे हमें कोई और सुविधा देने का विषय हो, चाहे NBFC को ठीक करने का विषय हो, चाहे बैंकों की आर्थिक हालत ठीक करने का विषय हो, किसी विषय को हम छोड़ेंगे नहीं, हर विषय को टच करेंगे और उसको सुधारेंगे। देखिए, लक्ष्य इसमें नहीं होता है जी, एक जैसे हमने अब ये एक उद्देश्य लेके चले 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी, अब इसको आप लक्ष्य नहीं मानोगे। हम 2024 तक, ये हमारा उद्देश्य है जिसको हम पूरा करेंगे, 2024 तक हर घर में नल, 2022 तक सबको मकान, ये हमारे एक ऐसे उद्देश्य हैं जिससे देश आगे बढ़ेगा। इसको लेकर का हो सकता है हम सारे मकान 2022 से पहले ही पूरे कर लें, जैसे TB मुक्त होना चाहिए संसार
वो 2030 कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं हम 25 तक ही कर लेंगे। पर्यावरण संरक्षण के बारे में भी 100 मोटो एक्शन लेने के लिए पेरिस एग्रीमेंट ने कहा, मोदी जी ने सीधा सीधा कह दिया SUP का प्रचलन, सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रचलन हम 2 अक्टूबर से इसकी जागरूकता फैलाएंगे, कम कर देंगे। तो इसको ये इसी तरह के रोजगार के अवसर भी, जब आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ठीक होने वाला है, आपका हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर ठीक होने वाला है, रोजगार के अवसर भी बढ़े और बढ़े भी हैं। इसमें क्या है, हमारा लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री है वो खाली EPFO से जुड़े हुए लोगों के आंकड़े रखता है, बाकी बहुत से ऐसे, आपका एक मीडिया का ही मुझे लगता है एक बड़ा प्रोग्राम था जिसमें मोदी जी खुद थे, उन्होंने उनसे ही पूछा कि आपके पिछले 5 सालों में आपके यहाँ तो एक भी नौकरी नहीं लगी होगी, तो उन्होंने कहा नहीं साहब हमारे यहाँ 400 नौकरी लगी, खुद से पूछा। ये है टॉक्स न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।